हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है डेली करेंट अफेयर्स, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 28 मार्च 2024 के 20+ एमसीक्यू करेंट अफेयर्स और उसके आंसर। पहला प्रश्न है कि आईपीएल इतिहास में किसी टीम का सर्वोच्च स्कोर क्या है। ऑप्शन ए 263 रन, ऑप्शन बी 277 रन, ऑप्शन सी 275 रन और ऑप्शन डी 265 रन। तो प्रश्न संख्या जो एक है, आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। इस आईपीएल के इतिहास में किसी टीम का सर्वोच्च स्कोर जो है वो 277 है, 277 है, जो कल ही अर्थात 27 मार्च 2024 को यह रिकॉर्ड बना है, जो मुंबई के खिलाफ यह रिकॉर्ड बना। इससे पहले जो सर्वोच्च स्कोर था आईपीएल का वो 263 रन था, जो आरसीबी ने बनाया था पुणे के खिलाफ। प्रश्न संख्या दो है, आईपीएल के इतिहास में किस टीम ने सर्वोच्च स्कोर बनाया है। ऑप्शन ए डीसी दिल्ली कैपिटल ने, ऑप्शन बी एमआई मुंबई इंडियंस ने, ऑप्शन सी एसआरएच सनराइजर हैदराबाद और ऑप्शन डी आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। तो प्रश्न संख्या दो का जो सही जवाब हो जाएगा, आईपीएल इतिहास में किसी टीम का जो सर्वोच्च स्कोर है वो 277 है, और वो जो टीम है जिसने यह मतलब स्कोर बनाया है उसका नाम है सनराइजर हैदराबाद, जिसके कप्तान है पैट कमिंग्स। और इस स्कोर को बनाने में ट्रेविस हेड ने अर्धशतक बनाया, साथ ही अभिषेक शर्मा और हेनरिक लासन ने भी अर्धशतक बनाया। और यह जो स्कोर बना है वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ बना है, जिसके कप्तान जो है वो हार्दिक पांड्या है। प्रश्न संख्या तीन है कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 27 मार्च को, ऑप्शन बी 26 मार्च को, ऑप्शन सी 23 मार्च को और ऑप्शन डी 21 मार्च को। तो प्रश्न संख्या तीन का सही जवाब हो जाएगा, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या चार, डिजिटल न्यू पब्लिशर्स एसोसिएशन DNPA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए अभय ठाकुर को, ऑप्शन बी अभिषेक सक्सेना को, ऑप्शन सी दीपक सिन्हा को और ऑप्शन डी मरियम मैमन मैथू को। तो प्रश्न संख्या चार, डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन DNPA का अध्यक्ष मरियम मैमन मैथू को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या पाँच है कि मार्च 2024 में सूरत डायमंड ट्रेड सेंटर का नया अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए अभय ठाकुर, ऑप्शन बी गोविंद ढोलकिया, ऑप्शन सी दीपक सिन्हा और ऑप्शन डी मरियम मैमन मैथू। तो प्रश्न संख्या पाँच, मार्च 2024 में सूरत डायमंड ट्रेड सेंटर का जो नया अध्यक्ष है वो गोविंद ढोलकिया हैं। प्रश्न संख्या छः है कि इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली नाहिद दिवेचा किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो प्रश्न संख्या छः का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या सात है कि मिस्र में पैरा पावर लिफ्टिंग 59 किलोग्राम युवा वर्ग विश्व कप में स्वर्ण पदक विजेता विनय उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित हैं। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या सात, प्रश्न संख्या सात का सही जवाब हो जाएगा, मिस्र में पैरा पावर लिफ्टिंग 59 किलोग्राम में युवा वर्ग विश्व कप में स्वर्ण पदक विजेता जो हैं विनय, वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या आठ है कि आयरलैंड का अब तक का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी साइमन हैरिस, ऑप्शन सी जो बाइडेन और ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो प्रश्न संख्या आठ, आयरलैंड जिसकी राजधानी है डबलिन, यहाँ के जो सबसे युवा प्रधानमंत्री जो बने हैं उनका नाम है साइमन हैरिस। प्रश्न संख्या नौ, 27 मार्च 2024 को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली।
ऑप्शन से न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, ऑप्शन बी पंकज कुमार, ऑप्शन सी अजय तिर्की और ऑप्शन डी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। प्रश्न संख्या 10, भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन से न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और ऑप्शन डी पंकज कुमार। तो प्रश्न संख्या जो 10 है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRND का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को, ऑप्शन बी राजीव कुमार शर्मा को, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर को और ऑप्शन डी पंकज कुमार को। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजीव कुमार शर्मा को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRND का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 12 है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन बी राजीव कुमार शर्मा, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और ऑप्शन डी पीयूष आनंद को। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जिसे NDRF कहा जाता है कि महानिदेशक के रूप में पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 13 है, प्रश्न है कि हाल ही में गुलामी के शिकार लोगों की याद की अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन से 27 मार्च, ऑप्शन बी 26 मार्च, ऑप्शन सी 23 मार्च और ऑप्शन डी 25 मार्च। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 25 मार्च। प्रश्न संख्या 14 है कि सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी चीन। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान। प्रश्न संख्या 15 है कि हाल ही में किसे UPSC के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से ए डॉक्टर नीरज मित्तल, ऑप्शन बी हंसा मिश्रा, ऑप्शन सी दीपक कुमार और ऑप्शन डी विक्रम देव दत्त। प्रश्न संख्या जो 15 है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हंसा मिश्रा को हाल ही में UPSC के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 16 है कि हाल ही में कहाँ गयाट सुएन जेतसुइंग पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन से इंग्लैंड में, ऑप्शन बी वियतनाम में, ऑप्शन सी भूटान में और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान में हाल ही में ग्यालुटुशियन जेतसुइंग पेमा वांचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 17 है कि हाल ही में कौन UTITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं? ऑप्शन से ए डॉक्टर नीरज मित्तल, ऑप्शन बी वीना अग्रवाल, ऑप्शन सी दीपक कुमार और ऑप्शन डी विक्रम देवदत्त। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर नीरज मित्तल। प्रश्न संख्या 18 है कि हाल ही में लुइस मोंटेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नामांकित किया गया है? ऑप्शन से पुर्तगाल, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 19 है कि हाल ही में किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन से नीति आयोग ने, ऑप्शन बी वित्त आयोग ने, ऑप्शन सी चुनाव आयोग ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चुनाव आयोग ने।
प्रश्न इक्कीस है कि हाल ही में सियोमी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन SU7 कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी अमेरिका में और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रश्न संख्या जो 20 है कि हाल ही में सियोमी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन SU7 कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चीन में। प्रश्न संख्या 21 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि हाल ही में किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? ऑप्शन ए दिल्ली हाई कोर्ट ने, ऑप्शन बी पटना हाई कोर्ट ने, ऑप्शन सी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 28 मार्च 2024 के 20+ MCQ करेंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।